everyone, welcome back to our channel. This is me, Khushbu Verma, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और मेडिकल कॉलेज के बारे में जो कि आपका स्टेट पौंडीचेरी से है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में जो कि पौंडीचेरी में सिचुएटेड है. सो अगर हम बात करें इसके एफिलिएशन की तो ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और साथ ही साथ में इसके अप्रूवल के बारे में बात करें तो ये MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इसको अप्रूवल भी मिला गया है. सो इन द ईयर 2007 इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जो कि एक प्राइवेट ओन्ड कॉलेज एंड मेडिकल हॉस्पिटल है. तो अगर हम बात करें कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम्स, डिप्लोमा और साथ ही साथ में डॉक्टरल लेवल कोर्सेज आर ऑल्सो ऑफर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी. सो हम बात करें श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कुल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है फॉर द MBBS, सो दैट इज़ योर 150. कुल 150 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें से कि फीस अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टेट फीस के हिसाब से कितना आपको पड़ सकता है, दैट इज़ योर 3 लाख्स, ठीक है. वहीं पर अगर हम मैनेजमेंट कोटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, दैट इज़ योर 12 लाख्स. तो एज यू कैन सी यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पर 12 लाख यानी सीधे 9 लाख का डिफरेंस आपको मिल रहा है. तो स्टेट फीस के हिसाब से 3 लाख और अगर आप मैनेजमेंट कोटा के हिसाब से देखोगे तो 12 लाख तक का जो है आपका जा सकता है. तो ये हमारा फीस स्ट्रक्चर हो गया फॉर द 5.5 ईयर्स, जिसमें से कि एक साल अगर हम एक्सक्लूड कर दें, राइट, क्योंकि आपकी एक साल की जो है वो इंटर्नशिप हो जाती है. तो अगर हम उस एक साल को एक्सक्लूड कर दें तो फिर आपका बचता है 4.5 ईयर्स. तो 4.5 ईयर्स की आपकी जो फीस है वो इतनी पड़ेगी आपको मैनेजमेंट के हिसाब से 12 लाख और स्टेट के हिसाब से 3 लाख. कौन सी एग्जाम यहाँ पर एक्सेप्टेड है? सो यार एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा और नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट देना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल सकता है. एज़ यू कैन सी यहाँ पर श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जस्ट उसके नीचे लिखा है 24 आवर्स एमरजेंसी सर्विसेज. तो ये उसका जो है एंट्री गेट है. देन इसका कैंपस जो है वो स्टार्ट हो रहा है और 80 एकर्स में, 85 एकर्स में जो है इसका कैंपस बनाया गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है? तो एक आपका आ जाता है प्री क्लिनिकल डिपार्टमेंट, राइट. देन आपका आ जाता है पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट और एक आ जाता है आपका क्लिनिकल डिपार्टमेंट. तो ये कुल 3 डिपार्टमेंट्स आपको यहां पर मिलेंगे, राइट. प्री क्लिनिकल हो गया, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल. अब उसमें भी कई सारे आपको बाइफर्केशन मिलेंगे, अलग अलग ब्रांचेस है. जैसे एक आपकी ब्रांच हो जाती है एनाटॉमी की, देन एक ब्रांच आपका आ जाता है एनेस्थेशियोलॉजी, जनरल सर्जरी हो गया एक ब्रांच, फिर आ जाता है आपका जनरल मेडिसिन एक ब्रांच हो गया, लेट्स से आपका डेंटिस्ट्री एक ब्रांच है, ठीक है. फिर आपका टीबी एंड चेस्ट एक डिपार्टमेंट हो गया. तो ऐसे द लिस्ट गोज ऑन. तो कई सारी ऐसी यहाँ पर लिस्ट डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देख सकते हो कि कौन सी ब्रांच में आपको MD करना है या फिर आपको MS करना है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल. तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि इसकी कितनी फीस आपको पड़ सकती है फॉर द ईयर्स 4.5 ईयर्स, जहाँ पर आपकी एक साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप हो गई, राइट. तो अब अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ के बारे में तो क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड होगी फॉर द हॉस्पिटल के लिए अलग और साथ ही साथ में आपका जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए अलग से, ठीक है. तो अगर हम स्पेसिफिकली कॉलेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जहाँ पर आपके कॉन्फ्रेंसेस सेशंस होते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, फंक्शंस होते हैं. वहीं पर आपका कैफेटेरिया है, जिम है, स्पोर्ट्स के लिए अलग से बना हुआ है, अलग अलग ग्राउंड्स बने हुए हैं,
देन कम्स योर लाइब्रेरी अलग से बनी हुई है, हॉस्टल अलग है, जहाँ पर आपको गर्ल्स हॉस्टल अलग मिलेगा, बॉयज़ हॉस्टल अलग मिलेगा. सो वहीं पर अगर हम देखें कि हॉस्पिटल की क्या फैसिलिटीज़ है, सो फॉर दैट एज यू कैन सी यहाँ पर 24/7 एमरजेंसी सर्विसेज है, एम्बुलेंस सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, जहाँ पर आपका रेडियोलॉजी का अलग हो गया, देन सोनोग्राफी का अलग हो गया, गायनेकोलॉजी का अलग हो गया. विथ मोर देन 30+ ईयर्स ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल है, टीचिंग स्टाफ अवेलेबल. सो ये हम बात कर रहे हैं आपकी फैसिलिटीज के बारे में. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहते हो कि और डिटेल में हम बात करें इसके बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स कट ऑफ और कितना किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जा सकता है, सो फॉर दैट आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज जो कि आपका पौंडीचेरी में सिचुएटेड है. सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, दो लिंक्स जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उस पर आपको क्लिक करना है. पहली जो लिंक आपको मिलेगी दैट इज़ फॉर योर नीट प्रिडिक्टर, जहाँ पर प्रिडिक्टर आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा कि आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से किन MBBS कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो. सो ऑल यू गॉट टू डू इज पुट योर रैंक. लेट्स से आपकी 5000 रैंक आई है नीट में, तो आपने अपनी वो रैंक डाली और साथ ही साथ में आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, लेट्स से इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी रैंक डालनी रहेगी प्रिडिक्टर पे और उसके साथ ही साथ में आप जनरल कैटेगरी आपने लिख दिया. एंड आफ्टर दैट जो प्रिडिक्टर है वो आपको एक लिस्ट निकाल के देगा MBBS कॉलेजेस के बारे में अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरी लिंक है दैट इज़ योर नीट काउंसलिंग कोर्स लिंक, जहाँ पर हमारे जो काउंसलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे आर गोइंग टू गिव यू देयर अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट गाइडेंस कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है नीट के लिए, काउंसलिंग के लिए क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको कैरी करने पड़ेंगे, राइट, किस कॉलेज पे यू नो किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, वेदर यू आर गोइंग टू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज और अ प्राइवेट कॉलेज, कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है या नहीं, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है या नहीं, तो ये सारे जो सवाल हैं इनकी आपको सारे जवाब में मिलेंगे उस काउंसलिंग कोर्स में जिसे आपको एनरोलमेंट कराना है. एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट. एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.